एक बड़ी खबर नोएडा से आ रही है, जहां पर सलारपुर गांव में एक व्यक्ति से मारपीट के वजह से बताया जा रहा है कि चंदे के लिए गांव में पहुंचे शख्स के साथ मारपीट की गई है। गांव में सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की कोशिश हुई है। स्थानीय लोगों ने घटना का विरोध भी किया। एक आरोपी हिरासत में लिया गया और बाकियों की तलाश की जा रही है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए गाँव में PSC तैनात कर दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नोएडा से, जहाँ पर सलारपुर गाँव में एक व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है। चंदे के लिए गांव में पहुंचे शख्स के साथ मारपीट की गई। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अमित, आपको बता दें, सलारपुर गांव में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई थी और जिसके चलते भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचा था। बताया जा रहा है कि एक विशेष समुदाय के युवक के साथ मारपीट की गई, उसके अभद्र व्यवहार किया गया था, लिहाजा उसका विरोध भी किया गया। और जब ये खबर पुलिस के अधिकारियों को पहुंची तो मौके पर पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि पीएसी बल भी तैनात कर दिया गया है। फिलहाल वहां पर स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही उस आरोपी को हिरासत में भी लिया गया है और माना जा रहा है कि मुकदमा लिख के उसकी गिरफ्तारी जल्दी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। बागपत में कार से 1.5 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया। अनिल नाम का प्रॉपर्टी डीलर अपनी कार में कैश लेकर शामली जा रहा था। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर बागपत में उसे हिरासत में लिया गया। प्रॉपर्टी डीलर चेकिंग टीम को कोई भी संतुष्ट जवाब दे नहीं पाया, जिसके बाद जांच टीम ने कैश को जब्त कर लिया। फिलहाल चुनाव उड़नदस्ता और इनकम टैक्स विभाग की टीम कैश के बारे में तफ्तीश कर रही है। हमारा गौरीपुर मोड़ पर जो चेक पोस्ट थी आबकारी की, वहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग में एक वाहन में 1.5 करोड़ रुपए पकड़ा गया। उसका कोई वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिखा सके कि इतनी बड़ी कैश राशि वो कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्यों लेके आ रहे हैं। उन्होंने ऐसा बताने का प्रयास किया कि शायद उन्होंने कहीं ज़मीन बेची है, परंतु इसके कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई सपोर्टिव चीज़ कुछ भी वो नहीं दिखा पाए। इसके क्रम में जो हमारा इलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जो SOP है, उसके क्रम में हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की, उसकी रिकॉर्डिंग करी। प्रयागराज में महिला की संदिग्ध हालात में मौत के बाद मायके वालों ने ससुराल वालों को घर में बंद करके आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घर में लगी आग से रेस्क्यू कर 5 लोगों को बाहर निकाला। तलाशी के दौरान घर से महिला की सास और ससुर के शव बरामद किए गए। दोनों की मौत आग लगने की वजह से हुई। मायके वालों ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। पुलिस अब मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। प्रयागराज के मुट्ठीगंज के सट्टी चौरा मोहल्ले में सोमवार देर रात उस वक्त हंगामा मच गया जब विवाहिता की मौत को लेकर मायके पक्ष से जुड़े लोगों ने घर में आग लगा दी। मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में थाने से चंद कदम की दूरी पर सोमवार देर शाम राजेंद्र केसरवानी की बहू अंशिका केसरवानी ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली, और इस बात की सूचना जब उसके मायके वालों को मिली, जो कि झलवा में रहते हैं धूमनगंज थाना क्षेत्र में, तो वो यहां पर पहुंचे और यहां पर ससुरालियों और मायके पक्ष के लोगों से विवाद हो गया, जिसके बाद आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो मायके पक्ष के लोग थे उन्होंने घर को आग के हवाले कर दिया। शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ और विवाहिता का शव उसके कमरे में फंदे पर लटकता मिला। शव को देख लड़की के घर वालों ने कोहराम मचा दिया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। लोग आए थे, आग किसने लगाई है? आग उनके माँ भाइया, पापा, चाचा, चाची, बड़े दोनों भाई, पापा, चाचा, चाचा के लड़के, सब कुछ वही लोग किए। 60-70 लोग वो लोग थे। पुलिस आ नहीं पाई घर पे, भैया आ घर पे, कमरा खोल नहीं पाया। हम लोगों ने कमरा तक नहीं खोला था, पुलिस को बुलाया था। 1 महीने पहले फरवरी में झलवा की रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी मुट्ठीगंज के अंशु से हुई थी। लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के पक्ष की मांगों को पूरा भी किया था। वहीं लड़की पक्ष ने आरोप लगाया कि सगाई के बाद से दहेज की अलग से मांग की जाने लगी, जिसे पूरा भी किया गया। लेकिन ससुराल के लोगों ने लड़की के मायके वालों को बताया कि लड़की ने कमरे का दरवाजा दोपहर से बंद रखा है और कहने से भी खोल नहीं रही है। ससुराल वालों का कहना है कि लड़की किसी से बात नहीं करती थी और हमेशा गुमसुम रहती थी।
मेंटली रही कि क्या था, आखिर उसके घर वाले उसको क्यों ले गए, उसको यहाँ क्यों नहीं रखे, उसका मेडिकल क्यों नहीं होने दिए, क्यों हमारे घर वालों को जला दिए, सारे सबूत मिटा दिए, क्यों कर रहे ऐसा, आप लोग बताइए ना, आप लोग बता, हम लोग को इंसाफ दिलाइए ना। हमें लोग को कुछ नहीं पता, क्योंकि हम लोग से कभी कोई बात बोलती नहीं थी, कभी कुछ पूछती नहीं थी। मौके पर जब लड़की पक्ष के कई लोग पहुंचे और किसी तरह दरवाजा खोला गया तो अंदर अंशिका केसरवानी का शव पंखे से लटकता पाया गया। शव देखते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस बीच अंशिका के घर वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों को उनके घर में बंद कर आग लगा दी, जिसमें अंशिका के सास ससुर की झुलस कर मौत हो गई। पुलिस वहाँ के तीन चार आई, एक लेडीज आई, तीन जेंट्स आए, उसके बाद आए देखा लाश और उन लोग तब्बन में आ चुके थे, मारपीट चालू हो गया। मैके वाले आ गए, मैके वाले आए, मारना पीटना भतीजी को भाई को हम लोग को मारना चालू हो गया, बचाने में भी मार खा गए। तो पुलिस वाले कह रहे हैं भैया फोर्स बढ़ाओ जल्दी से, मार रहे हैं तो कुछ बचाओ, तो वो लाश निकालने के लिए ऊपर चले जा रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। उसके बाद नीचे आया, हमको भाई फोर्स बढ़ाओ, इन लोग मार रहे हैं, देख रहे हो आप लोग, कुछ बचाओ। तो उन्होंने कोई सहायता इसी हमारी नहीं की। सूचना मिली कि अंशिका केसरवानी नाम की महिला ने खुदकुशी की है। मौके पर मायके और ससुराल पक्ष दोनों के लोग मौजूद थे। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो दोनों पक्ष के लोग आपस में जमकर झगड़ा कर रहे थे। उसी दौरान मायके पक्ष के जरिए ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस वाले के आने के पहले उनके ससुराल वाले आके इतना ईटा पत्थर चलाए, कुर्सी मारे, एसी तोड़े, फ्रिज तोड़े, पूरा घर तोड़ने के बाद और माँ बाप को इतना मारे सर में कि माँ बाप उठ नहीं पाए, घर से निकल नहीं पाए। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, घर के अंदर पेट्रोल गैलन में लिए थे पेट्रोल, पूरा नीचे से आग लगाते हुए दूसरे मंजिल से लगाते हुए नीचे आए हैं। नीचे आने के बाद शटर बंद कर दिया और उनके फैमिली में पूरे परिवार थे घर के अंदर। हमने इनका बगल वाले का शीशा तोड़ के उनकी बेटी को, उनकी चाची को बचा लिया, उनकी माँ बाप को नहीं बचा पाए। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए पांच लोगों का रेस्क्यू कर बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। पुलिस ने जब पूरे मकान में जांच पड़ताल की तो उसमें दो शव मिले, जिसमें एक शव राजेंद्र केसरवानी का है जो नवविवाहिता का ससुर है, वहीं दूसरा शव शोभा देवी का है जो लड़की की सास है। दोनों शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनको उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसमें उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज मिली। प्रयागराज में महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। घर में फांसी के फंदे पर महिला का शव लटकता मिला। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने देर रात हंगामा किया, ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर हंगामा किया। ससुराल वालों को घर में बंद कर आग लगाने का आरोप है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ससुराल वालों का रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान पुलिस को घर से 2 लोगों के शव मिले। महिला की सास और ससुर के शव बरामद किए गए। पुलिस ने रेस्क्यू के दौरान आग में फंसे 5 लोगों को भी बचाया। मुट्ठीगंज थाने से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है। महिला की संदिग्ध मौत के बाद ससुराल और मायके पक्ष के लोगों के बीच टकराव हुआ। इस बीच मायके पक्ष के लोगों पर ससुराल पक्ष के घर में आग लगाने का आरोप है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं, जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भेजा गया है और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ भी कर रही है। लेकिन फिलहाल इस घटना के बाद इलाके में सभी लोगों में शोक की लहर है और इस पूरे वारदात को लेकर भी लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना होने से बच सकती थी। सर्वेश दुबे, न्यूज 18, प्रयागराज।
महाराष्ट्र की ठाणे क्राइम ब्रांच और यूपीएसटीएफ ने एक बहुत बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया है। करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स और केमिकल बरामद किए गए। 5 ग्राम के ड्रग्स की पुड़िया से पुलिस को भनक लगी थी, जिसके बाद ठाणे क्राइम ब्रांच करीब 1.5 महीने तक काशी में डेरा जमाए रही। 2 आदमियों की गिरफ्तारी के साथ साथ भारी मात्रा में पुलिस ने प्रतिबंधित दवाएं भी बरामद की। महाराष्ट्र पुलिस और यूपीएसटीएफ ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर वाराणसी में एक बड़े ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से करोड़ों की म्याओ म्याओ ड्रग्स मेफेड्रोन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 2,64,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं करीब 30 करोड़ रुपए के ड्रग्स और केमिकल भी जब्त किए गए हैं। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की लगातार कोशिशों से बड़ी संख्या में ड्रग्स बरामद हो रहे हैं। इस बार मामला काशी का है, जहां यूपीएसटीएफ और महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। फैक्ट्री से करीब 2,64,00,000 रुपए का म्याओ म्याओ ड्रग्स मेफेड्रोन जब्त किया गया है, जो 2 करोड़ रुपए प्रति किलो बिकती है। बरामद केमिकल और ड्रग्स की कुल कीमत करीब 30 करोड़ बताई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे पुलिस की अपराध शाखा की एक टीम ने यूपीएसटीएफ के साथ वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा गाँव में चल रही एक फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां से करोड़ों रुपए की कीमत की मेफेड्रोन जब्त की गई। इसे इंटरनेशनल मार्केट में म्याओ म्याओ ड्रग्स के नाम से जाना जाता है। म्याओ म्याओ मेफेड्रोन का कोड नेम है। इस कोड नेम को तस्कर इस्तेमाल करते हैं। ड्रोन, एमकैट, व्हाइट मैजिक, बबल नाम भी है। भारत और चीन में पौधों की खाद के लिए बनाया जाता है। बड़े पैमाने पर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर हो रहा है। साल 2010 तक म्याओ म्याओ एनडीपीएस एक्ट में बैन नहीं थी। साल 2015 में केंद्र ने प्रतिबंधित पदार्थों की सूची में शामिल किया। पुलिस ने फैक्ट्री से जो ड्रग्स और केमिकल बरामद किया, उसकी कीमत करीब 28 करोड़ रुपए है। पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। इनके जो अधिकारी है दिलीप पटेल और एपीआई रूपाली पोल, यांना माहिती मिळाली की कासरवडी पोलीस यांच्या हद्दीमध्ये एक इसम एमडी विक्री करण्याकरता येणार आहे। मिळालेल्या माहितीवरून रूपाली पोळ यांनी त्या ठिकाणी सदर इसमास ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्याच्या ताब्यामध्ये 15 ग्रॅम वजनाचा एमडी पावडर मिळाली। यामध्ये रेड करून सदर ठिकाणी एमडी पावडर तसेच एमडी बनवण्यासाठी लागणारे केमिकल्स आणि इतर साधन सामग्री जप्त करण्यात आली। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस नशीली दवाओं की तस्करी और बिक्री में शामिल रैकेट की जांच कर रही थी। जनवरी और फरवरी में कासरवादा वाले इलाके में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 5 ग्राम की पुड़िया मिली, जिसमें मेफेड्रोन था। इसके बाद छानबीन करने पर इसके तार यूपी से जा मिले। गुप्त सूचना के आधार पर महाराष्ट्र और यूपी की पुलिस ने वाराणसी के भगवतीपुर के पिंडरा में कारखाने पर छापा मारा और अतुल अशोक कुमार सिंह और संतोष गुप्ता को गिरफ्तार किया। इस ऑपरेशन के साथ पुलिस उस स्रोत तक पहुंच कामयाब रही, जहां से प्रतिबंधित सामग्री का निर्माण और आपूर्ति की जाती थी। यहां से ड्रग्स को ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाता था। मेफेड्रोन दुनिया के 53 देशों में बैन है। सबसे पहले 2008 में इजराइल ने बैन किया। साल 2010 में ब्रिटेन, साल 2011 में अमेरिका ने बैन किया। पिछले कुछ सालों में मेफेड्रोन के प्रति ग्राम की कीमत बढ़ी। साल 2021 में इसकी कीमत 9,000 रुपए प्रति ग्राम थी। साल 2022 से बढ़कर मेफेड्रोन की कीमत प्रति ग्राम 15,000 पहुंच गई। इस वक्त कीमत 20,000 रुपए प्रति ग्राम है। करीब 2 करोड़ रुपए मेफेड्रोन की प्रति किलोग्राम कीमत है। पुलिस को जब इसकी गुप्त सूचना मिली, तो क्राइम ब्रांच की टीम अपने दर्जनों अधिकारियों के साथ तकरीबन 1.5 महीने तक नशे के इन ड्रग्स तस्करों पर पैनी निगाह बनाए रही। कई अधिकारियों ने महीने भर अपने रूप और पहनावे को भी बदला, ताकि बदमाश इन्हें पहचान न सके। गांव में जिस जगह पर कारखाना चलाया जा रहा था, वहां पर सभी अधिकारी कड़ी निगरानी में लगे थे। कारखाने से ड्रग्स बनाने के लिए तमाम जितने भी सामग्री थी, मशीनरी के साथ उसे भी बड़े पैमाने पर जब्त किया गया है। बरामद ड्रग्स और केमिकल की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
खबर बस्ती से, जहां पर शेयर मार्केट के नाम पर 27 लाख रुपए की ठगी करने वाला नटवरलाल साइबर क्राइम पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साइबर क्राइम की टीम मुंबई गई और शातिर को अरेस्ट कर वापस लेकर बस्ती आई। टीम को आरोपी के खाते में 25 लाख रुपए भी मिले। मोबाइल, एक लैपटॉप और चेकबुक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी की पहचान मनीष बच्चूलाल के रूप में हुई है। बस्ती पुलिस की साइबर थाना की क्राइम टीम द्वारा एक अच्छी सफलता हासिल की है, जिसमें ट्रेडिंग के नाम पर फ्रॉड करके जो है उसके खाते से अपने खाते में अभियुक्त द्वारा 27 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन करवाया। उसके बाद उसने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और पैसा देने से मना किया। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम की टीम द्वारा जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं जो वादी है उसके खाते में 25 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन पुनः वापस करवाया गया। इस प्रकार से ये एक बड़ी सफलता साइबर क्राइम के थाने को प्राप्त हुई है। होली में अब महज कुछ ही दिनों का वक्त बचा है। मथुरा और वृंदावन में होली के रंग अभी से उड़ने लगे हैं। यहाँ आज भी लट्ठमार होली खेली गई। मथुरा में होली खेलने के लिए सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग रंग में रंगने के लिए मथुरा और वृंदावन चले आते हैं। मथुरा और वृंदावन में हर तरफ होली की धूम दिखाई पड़ रही है। हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। मऊ में खाद्य विभाग के अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। होली के मद्देनजर विभाग सक्रिय है। आज सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई दुकानों पर छापेमारी की। मिठाइयों का सैंपल लिया गया। बता दें कि कई मिठाइयों का सैंपल फेल हो गया है। इस दौरान अधिकारियों के दुकानदारों की जमकर अधिकारियों ने क्लास भी लगाई है। ये मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के श्रीराम स्वीट मिठाई भंडार और राजवती मिठाई दुकान का है। होली के मद्देनज़र जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन पर आज तीन जगह जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र में एक जगह बेकरी पर और दो मिठाई की दुकानों को चेक किया गया है और उनके सभी के सैंपल भरवाए गए हैं। सैंपल भरवा करके और वहाँ जो ख़राब सामग्री थी उसको हटवा दिया गया है और सैंपल भरवा के भेजा जा रहा है और जो भी उनके विरुद्ध होगा वो कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग के एक्शन की दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मऊ और अयोध्या में खाद्य विभाग फुल एक्शन में दिखाई दिया। यहाँ पर मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की गई, वहाँ से सैंपल लिए गए, उनको जांच के लिए भेजा गया और जहाँ कहीं पर भी मिलावट की बात सामने आई है वहाँ पर कड़ी फटकार भी लगाई गई है। एक्शन लिया गया है और आगे हिदायत दी गई है बाकी दुकानदारों को कि किसी भी तरीके से मिलावट का खेल रुकना चाहिए। होली के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम अलग अलग ज़िलों में इसी तरीके से सैंपल लेती हुई नजर आ रही है। मिलावटखोरों पर नकेल भी इसी क्रम में कसी जा रही है। गाजियाबाद में महिलाओं से चेन स्नैचिंग और कुंडल लूटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। लिहाजा थाना इंद्रपुरम पुलिस ने चेन छिनैती करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि इस पूरे मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। छात्रों से सोने के जेवर, 42,000 रुपए कैश बरामद किया गया। कासगंज में 3 साल के बच्चे का तालाब में शव मिला। बच्चा कल शाम से घर से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कोतवाली सोरों इलाके के गौपुरा गांव की घटना है। बागपत में पति की हत्या के आरोप में पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। 13 मार्च को राहुल नाम के युवक की हत्या हुई थी। पुलिस ने मामले में जांच पड़ताल की तो चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। राहुल की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी छवि ने अपने प्रेमी अंकित के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने बताया कि छवि अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी और इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटवा दिया। पुलिस ने प्रेमी और महिला को गिरफ्तार कर लिया है। बिनौली थाना क्षेत्र का मामला। क्या पूरी घटना? ये आप सभी लोगों को अवगत कराना है। अभी कुछ दिन पहले
फतेहपुर पुट्टी गांव में एक घटना हुई थी जिसमें राहुल नाम के व्यक्ति की गोली लगी थी, दो गोली लगी थी और फिर दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें हमने अंकित उर्फ काकू पुत्र सुशील जो कि फतेहपुर पुट्टी का ही रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया है और साथ में एक महिला को भी गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ में ये जानकारी आई है कि ये जो महिला है ये अमृतक की पत्नी थी और इनकी अंकित नाम के व्यक्ति से दोस्ती थी जो कि गांव का ही रहने वाला था। खबर देवरिया से है। बीते दिनों हुई महिला की हत्या का आज पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार किया। मृतक महिला का पति राजू यादव पत्नी की उसने हत्या की थी और हत्या की वजह पैसे थे। बताया जा रहा है कि मृतक महिला के खाते में 4 लाख रुपए थे। पति महिला से लगातार पैसे निकालने के लिए दबाव बना रहा था और इसी बात को लेकर परिवार में कई दिनों से झगड़ा हो रहा था। बाद में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दिनांक 5 फरवरी 2024 को जनपद देवरिया के थाना लार क्षेत्र अंतर्गत चुरिया गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ था जिसके संबंध में थाना लार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने घटना का अनावरण करते हुए मृतका के पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त राजू यादव उर्फ लाला यादव ने बताया कि वो अपने ससुर से अपनी बच्ची के लिए 4 लाख रुपए की मांग करता था। इसी पर लेकर विवाद हुआ और पहले उसने अपनी बच्ची का और फिर बाद में पत्नी की हत्या कर दी। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।